एबीपीएस न्यूज सच का साथी। लखनऊ के इको गार्डन में धरना स्थल पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के लोग 58 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। अगर सरकार तब तक नहीं मानती तो वह पूरे प्रदेश भर में भारी संख्या में धरना देने और सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप कितने दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं? 24/9/2018 से धरना शुरू हुआ है, सबसे बराबर निरंतर धरना चल रहा है। एक बात बताइए, आप इतने दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, आज तक कोई भी अधिकारी आपकी बात सुनने के लिए आया या शासन प्रशासन से कोई नहीं आदेश से कोई नहीं आया है? बस हम लोग धरना रखते हैं, बस इस तरह सूचना जाती रहती है और पत्रकार लोग आते हैं ले जाते हैं, बाकी यहाँ कोई अधिकारी नहीं। अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार मंच के माध्यम से बता रहे हैं कि ये धरना अभी चलता रहेगा और इसका बहुत विशाल रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। इतना प्रदर्शन किया जाएगा कि पूरे प्रदेश के प्रधानों को इकट्ठे करके पूरे जनसमूह के साथ सरकार को उखाड़ने का काम करने को। अभी आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? इस समय हम लोग लखनऊ से हैं, गुसाईगंज ब्लॉक से। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 में भी इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधान को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ लिया गया है। प्रधान का कोई मतलब नहीं है, प्रधान की कोई सुनने वाला नहीं है, तहसील में सुनता ना कोई, लेखपाल तक सुनता ना सिपाही सुन रहा है, यहाँ तक कि कोटेदार भी जो है मतलब निरंकुश है बिल्कुल प्रधानों की, तो कोई तो बात नहीं मान रहे, तो प्रधान को क्या मजाक बना के रख दिया गया है।